वहीं देश के गांवों के विकास के लिए लॉन्च की गई भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आदर्श ग्राम योजना उधर में लटकती हुई नजर आ रही है। ताजा मामला हमारी पड़ताल में विदिशा जिले का सामने आया है, जहां भ्रष्टाचार का आलम ये है कि जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों ने कई लाखों की लागत से घटिया सड़कों का निर्माण किया है। वहीं सिरोंज जनपद पंचायत के भ्रष्टाचार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम बरखेड़ा ताल में इसकी चपेट में आ गया है। यहां लगभग 30 लाख रुपए की लागत से बनी सड़कें चंद महीनों में उखड़ गई है। यह पूरा मामला देखकर ऐसा लगता है कि साहब ने सड़क का मूल्यांकन धरातल नहीं ऑफिस से ही कर दिया। अभी ये मुद्दा जो है आपके द्वारा बताया गया है तो संज्ञान में आया है, परंतु कुछ दिवस पूर्व, लगभग 4-5 दिवस पूर्व, सचिव द्वारा उक्त निर्माण कार्य, जो भी नाली के निर्माण कार्य है, उसके द्वितीय किस्त का सेकंड किस्त की जांच, वो मांग पत्र भेजने हेतु, जिले में भेजने हेतु फाइल आई हुई है, परंतु अभी भेजा नहीं गया है। और अभी मुद्दा संज्ञान में आने के पश्चात निश्चित रूप से उसकी पूर्णतः जांच करने के बाद ही उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या उसका मूल्यांकन हुआ है? हाँ, मूल्यांकन होकर के द्वितीय किस्त की मांग हेतु मांग पत्र आया है, पंचायत से आया है। नहीं, मनरेगा में तो मजदूरी के आधार पर ही भुगतान होता है, जो उनकी अटेंडेंस होती है और उनके थंब से अटेंडेंस लगाई जाती है, मौके पर उनकी उपस्थिति ली जाती है, उसी के आधार पर होता है। वो कोई टेक्निकल प्रोसेस है उसमें इस प्रकार की प्रोसेस नहीं की जा सकती, अन्यथा वो उपस्थिति ही नहीं लगती है। हमारे ये ग्राम पंचायत उनासी ताल का ग्राम है बरखेड़ा ताल, एक ये अनुसूचित जाति बस्ती है जो लगभग 40 साल पहले बसी हुई थी, तो यहाँ लगभग 35-40 परिवार रहते हैं। यहाँ पे लगभग केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के तहत, यहाँ पे लगभग कार्य होने थी, टोटल विकास कार्य होने थी कि ये शीशी है, नाली है, सड़क, बिजली, पानी, सभी सुविधाएं इस गांव को अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मिलना थी। और लगभग यहाँ के लिए 40 लाख के आसपास राशि भी स्वीकृत हुई, और जिसके तहत ये सड़कें आप देख सकते हैं, सड़कें बनी, ये अभी एक महीने पहले सड़कें बनी हैं लगभग इस कॉलोनी के अंदर। बेस पहले से ऑलरेडी डला हुआ था प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के तहत, लेकिन ये एक महीने के अंदर आप देखेंगे एक इंची सड़क डली हुई है, पूरी मिट्टी और उसकी घटिया कोपरा के तहत डाली गई है, जो एक महीने के अंदर ही उखड़ गई है। आप खुद देख सकते हैं, बिल्कुल धूल उड़ती नजर आएगी। तो लगभग शासन की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा तो ये है कि प्रधानमंत्री जो ग्राम आदर्श ग्राम के तहत है, अनुसूचित जाति बस्ती है, उसका भला करा जाए, वहाँ के लोगों का भला करा जाए, वहाँ मूलभूत सुविधाएँ पहुँचाई जाएँ। लेकिन कुछ लोगों को देखो आप, जिम्मेदार यहाँ के ऐसी इस अच्छी इतनी अच्छी योजनाओं को पलीता लगाते आ रहे हैं, और हमारे जो भाई हैं इस कॉलोनी में रहते हैं, लगभग 50 सालों से उन्हें कोई रोड नहीं था। ये सड़क की बात तुम कर रहे हो, वो एक माह नहीं, उसको करीब विधानसभा चुनाव के पहले बनी थी, वो जिस समय वो जो सब इंजीनियर थी, वो क्या नाम, नेहा जाटव थी, उसके समय वो बनाई गई थी, इतना हमें उसकी जानकारी है। हमारी वो डिलीवरी, अब डेट हमें इतना याद नहीं है, हाँ 6 महीने हो गए विधानसभा चुनाव के, हाँ हुआ ना, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसका कुछ रीजन हो सकता है कि तराई राई ना हुई हो, पर वो हमारे समय का काम नहीं है, इसलिए हम उसमें ज़्यादा नहीं बता सकते। ये रोड का मामला है, ये रोड एक महीना पहले डला हुआ है और वो तो सब बेकार हुआ, मिट्टी और वो मिलाई है कोपरा टाइप का, वो सब शीशी पड़ गई हुआ तो बेकार हो गई, और अभी बरसात में बच्चे निकलेंगे तो उसमें खचेंगे, और कुटी भी नहीं मिली यहाँ, और लेटरिंग है जो भी पहले जो आ गई है पहली पंचायत में, मतलब अब कुछ भी नहीं आया। ये समस्या है ना, कुटी मिली हमें, कोई लाभ नहीं है जहाँ पर, और जहाँ पर रोड डरवाओ तो वो भी खुद गया, कोई लाभ ही नहीं है। और हमारे मंदिर के यहाँ खुदवादा आरसीसी करवा भी कह के उसकी उठा के कोई मरम्मत ही नहीं है, इसके बाद में तेरी मेरी कुटी बन भी तैयार है, अध बना मकान रहेगा साहब, बाप लग गई स्टे, हमारे मोड़ा ने कुछ भी नहीं किया, और हमारे मोड़ा की थाने में रिपोर्ट भी कर दे।